आप मुख्यमंत्री रहे हो, आप मंत्री रहे हो केंद्रीय, उसके बाद ये घटिया व्यवहार, और यही नहीं रुके आप। मध्य प्रदेश में हम दिनों रात मेहनत करके जनता को संकट से निकालने के प्रयास में लगे हुए, लेकिन आप मौत में राजनीति का अवसर खोज रहे हो। एक भी मृत्यु दुखद होती है, लेकिन मौत का नहीं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नहीं, क्या महाराष्ट्र में नहीं, क्या दुनिया के बाकी देशों में नहीं। एक एक मौत मेरे दिल पर बोझ है, और हम पीड़ित परिवारों की सेवा करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप आग लगा दो जैसे बयान दे रहे हो, जैसे मौका मिल गया। मौत आपको व्यथित नहीं करती, ज्यादा मौत आपको दिखती है तो आपको आनंद आता कि मौका मिल गया। ये विकृत मानसिकता नहीं है क्या, ये घटिया सोच नहीं है। और श्रीमती सोनिया गांधी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ऐसे बयान देने वाले नेता पर आप कोई कार्रवाई करेंगे क्या? इस समय देश को संकट से बचाने का समय, हम घटिया राजनीति की पराकाष्ठा करेंगे? कमलनाथ जी, आपको कहते हुए लज्जा भी, मैं इस तरह की सोच की कड़ी निंदा करता हूं। दिया जाए, एक तरफ हम दिन और रात कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के काम में लगे हुए, कई दिनों से चैन की सांस नहीं ली, उम्मीद ये थी कि राष्ट्रीय संकट में देश एक होगा, राजनीतिक दल कम से कम इसको राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाएंगे, लेकिन मुझे कहते हुए बेहद तकलीफ है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी वो देश का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरा भारत कोविड, अब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, इंडियन कोरोना वाला बयान देना, क्या कांग्रेस को शोभा देता है? क्या कमलनाथ को शोभा देता है? क्या श्रीमती सोनिया गांधी जी आपको शोभा देता है? आश्चर्य होता है, जब जब इस देश पर संकट आया, सारे राजनीतिक दलों ने एकजुट होके देश का साथ दिया। एक नहीं अनेकों उदाहरण है, जब पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है। महासंकट की घड़ी में कमलनाथ जी आप घटिया राजनीति कर रहे हैं, अधमतम व्यवहार कर रहे हैं। हमें सहयोग करना तो दूर, आपदा में जब लोग संकट में, तो अवसर तलाश रहे। क्या आपके इस बयान से दूसरे देशों में रहने वाले भारतीयों का मनोबल कम नहीं होगा? क्या देश के सम्मान को चोट नहीं पहुंचे? क्या यह बयान राष्ट्रद्रोह जैसा नहीं है?